राहुल गांधी बोले, आरएसएस के लोग देश को आजादी से पहले वाले दौर में ले जाना चाहते हैं। यूएई के पहले हिंदू मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी, अगले साल 14 फरवरी को होगा कार्यक्रम। बीजेपी पर भड़के संजय राउत, बोले राम मंदिर किसी के बाप का नहीं है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को बताया दिखावा, कहा न्याय के लिए ढोंग। झारखंड में आदिवासियों को मिलने वाली वृद्धा पेंशन की उम्र 60 से घटाकर 50 की गई। ममता बनर्जी बोली, बंगाल में टीएमसी अकेले लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं, हम अकेले भाजपा को सबक सिखाएंगे। गौतम अरानी ने शरद पवार के साथ उनके घर पर मुलाकात की। पप्पू यादव बोले, कर्नाटक में बीजेपी ने कोरोना में 40,000 करोड़ का घोटाला किया, पूरे देश में कितने लाख करोड़ का किया होगा। अखिलेश यादव बोले, 80 हराइए बीजेपी हटाइए, इस पर सपा काम कर रही है, पीडीए ही एनडीए का मुकाबला करेगा। वकील प्रशांत भूषण बोले, पहले बीजेपी के लोग भी बैलेट पेपर की मांग करते थे, अब सत्ता में आने के बाद क्यों बदल गए। पूर्व आईपीएस जूलियो बोले, भारत को भगवा पाकिस्तान बनाना चाहती है मोदी सरकार। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम प्रधानमंत्री मोदी फाइनल करेंगे। इंडिया गठबंधन से जेडीयू की मांग, कहा चेहरा नीतीश कुमार होने चाहिए। हरियाणा में खुलेगा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ऑनलाइन फ्रॉड से मिलेगी राहत। दिल्ली सरकार ने लगाया अस्पतालों में घटिया दवाई की सप्लाई का आरोप, गृह मंत्रालय से की सीबीआई जांच की मांग। ममता बनर्जी बोली, सीएए के जरिए लोगों को धार्मिक आधार पर बांटकर राजनीति लाभ ले रही बीजेपी। 5 सालों में 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगा भारत, चीन पाकिस्तान की अब खैर नहीं। राहुल गांधी बोले, मेरे पास कुछ युवा है, वो रोते हुए कह रहे थे कि सरकार ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। टाटा की कंपनी ने बनाया रिकॉर्ड, कुछ मिनटों में कमा डाले 11,500 करोड़। पीएम मोदी का अयोध्या दौरा, शहर को देंगे 1500 करोड़ की सौगात। संजय राउत का बड़ा बयान, कहा ईवीएम है इसलिए आप है, जनता आपके साथ नहीं है। कोरोना ने तोड़ा 225 दिनों का रिकॉर्ड, 24 घंटे में मिले 797 नए केस, 5 की मौत। असम में बोले आरएसएस मोहन भागवत, कहा देश में सबका धर्म मानवता और यही धर्म सनातन है। सैन पित्रोदा बोले, अगर हमने ईवीएम को सही नहीं किया तो 2024 में बीजेपी 400 सीटें जीत सकती है। पाकिस्तान में नए साल का जश्न मनाने पर लगा प्रतिबंध, प्रधानमंत्री ने किया ऐलान। संजय राउत बोले, शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ी, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी। एमसीडी बैठक में जमकर हंगामा, मेयर ने बीजेपी के 4 पार्षदों को 15 दिनों के लिए किया सस्पेंड। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप, नोएडा गाजियाबाद और मेरठ में स्कूल बंद। 6 से 10 रुपए तक सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल डीजल, सरकार जल्द दे सकती है खुशखबरी। इंडिया गठबंधन में रार, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने मांगी 23 सीटें, कांग्रेस ने किया खारिज। कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसेना की मौत की सजा पर रोक। चैट जीपीटी की बारी गई, अब जियो का भारत जीपीटी बनेगा लोगों की पसंद। चंपत राय बोले, प्रधानमंत्री से जुड़ी जानकारी पीएमओ से ही आनी चाहिए। अब दरोगा नहीं कर पाएंगे आपकी गाड़ी का चालान, जारी हुआ आदेश। ललन सिंह देंगे इस्तीफा, नीतीश कुमार के हाथों में होगी जेडीयू की कमान, 8 होंगे बड़े फैसले। केरल में एलडीएफ सरकार में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण आज। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह बोले, नीतीश कुमार नहीं होंगे मुख्यमंत्री, लालू यादव ने रच दिया चक्रव्यूह। जेल में बंद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, हर शुक्रवार को रखेंगे उपहास, कई जगहों पर कार्यकर्ता भी देंगे साथ। बुरे फंसे भाजपा विधायक नरेंद्र कुशवाहा, कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। नए साल में खुशखबरी, यूपी पुलिस के एसआई और एएसआई के 921 पदों पर वैकेंसी। उत्तर भारत में छाया घना कोहरा, कई ट्रेनें और फ्लाइट लेट। पीएम मोदी के दौरे से पहले अयोध्या में तैयारियां तेज, शहर को फूलों से सजाया, 6 वंदे भारत ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। कन्नड़ भाषा विवाद गरमाया, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने अध्यादेश लाने का किया वादा। व्हाट्सएप पे मिलेगा एआई चैटबॉट, जल्द होगा लॉन्च। छत्तीसगढ़ बस्तर में बढ़ती ठंड की वजह से स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव।
पाकिस्तान में सब्जियों की कीमत में लगी आग, एक किलो भिंडी की कीमत 450 के पार। राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा बीजेपी में ऑर्डर ऊपर से आता है, सभी को मानना पड़ता है। डीकेसी कुमार बोले 2024 में जीतेगा इंडिया, कुछ भी मुश्किल नहीं। उपराष्ट्रपति ने राघव चड्ढा को पार्टी लीडर बनाने से किया इनकार। कांग्रेस नेता विजय बोले महाराष्ट्र के डीएनए में कांग्रेस है, बीजेपी के दिन पूरे हो चुके हैं। खड़गे बोले अगर बीजेपी आरएसएस को नहीं रोका तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। रुपया शुरुआती कारोबार में 6 पैसे की बढ़त के साथ 83.14 रुपये प्रति डॉलर पर। 4 जनवरी को कांग्रेस की बड़ी बैठक, भारत न्याय यात्रा पर मंथन। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बड़ी फेरबदल की जल्द कर सकती है बड़ी घोषणा। 1 जनवरी को एलपीजी के रेट होंगे अपडेट, चुनावी साख के पहले दिन 120 रुपये सस्ता हुआ था घरेलू सिलेंडर। तेलंगाना में 11 दिनों में 3 करोड़ से अधिक महिलाओं ने लक्ष्मी योजना का उठाया लाभ। पश्चिम बंगाल में कोरोना की फिर वापसी, 9 महीने बाद कोविड मरीज की मौत। अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ता को दिया जीत का मंत्र, तेलंगाना में 10 सीटें जीतने का रखा लक्ष्य। नागपुर में बरसे खड़गे, कहा आरएसएस देश को बर्बाद कर रही है। राहुल गांधी बोले हम सत्ता में आएंगे तो देश में जाति के आधार पर जनगणना कराएंगे। राम मंदिर उद्घाटन से पहले जेएनयू की दीवारों में लिखे गए विवादित स्लोगन, लिखा बाबरी मस्जिद फिर बनेगी।